ओम नमः शिवाय। सभी मित्रों का ज्ञान चक्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति पार्ट टू पर बात करेंगे। आइए, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो बीत गया सो बीत गया। हमें अपने भूतकाल को देखकर चिंतित नहीं होना चाहिए, न ही अकारण भविष्य के लिए घबराना चाहिए। अपने वर्तमान को महान समझते हुए जीवन यात्रा में लगे रहना चाहिए, यही एकमात्र सुख का मंत्र है। विद्या के विषय में चाणक्य कहते हैं, विद्या काम धेनु के समान है, यह बुरे समय में भी फल देती है और विदेश में तो यह माँ के समान है। इसी कारण से विद्या को गुप्त धन कहा जाता है। अभ्यास न करने पर शास्त्र विष बन जाता है, भोजन न पचे तो विष बन जाता है और दरिद्र लोगों की सभा विष बन जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं सुंदरता के विषय में, कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। जब आप सफर पर जाते हैं तो विद्या अर्जन ही आपका मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है और अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है, पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं, जैसे दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनों से बड़ों का सम्मान करता है उन्हें आयु विद्या यश और बल मिलता है। प्रकृति के विषय में चाणक्य का मत है, प्रकृति का दोहन ही संसार के प्रलय का निमंत्रण है। विद्यार्थी को हर समय सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, वो शिक्षा चाहे उसे कैसे ही मिले। आचार्य चाणक्य के अनुसार हम सब विद्यार्थी हैं, हमारे जीवन की प्रत्येक घटना आसपास की घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें अवश्य उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती, व्यक्ति चाहे तो फिर से विजय के लिए प्रयत्न कर सकता है। गौरव के विषय में और भाषा के विषय में आचार्य चाणक्य का मत है, जिस राष्ट्र को अपनी मूल भाषा पर गौरव ना हो, एक दिन उस राष्ट्र का गौरव भी खतरे में पड़ जाता है। अर्थात हमारी जो मातृभाषा, राष्ट्र की जो भाषा संस्कृत भाषा, उस भाषा पर हमें गौरव करना चाहिए। आचार्य चाणक्य सदाचार और संयम के विषय में कहते हैं, ये दो गुण महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलता है, हमें इन दोनों गुणों को सदा धारण करना चाहिए। जय माता दी।